बैठे। जय क्या क्या प्रक्रिया हुई है और ये जो मेला है कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, हम लोग सब प्रयागराज की धरती पे माँ गंगा की गोद में हम आप सब खड़े हैं। आज हम श्री पंच अग्नि अखाड़े में खड़े हैं। मैं श्री पंच अग्नि अखाड़े का राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी समस्त देशवासियों को आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। आए गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आए गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागी बने। आज धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, आप इधर देख रहे हैं। आज धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, भूमि पूजन के साथ धर्म ध्वजा स्थापित हुई है। जैसे किसी यज्ञ के आरंभ में, कार्य के आरंभ में भगवान का ध्वज स्थापित किया जाता है, तो आज ध्वज स्थापित हुआ है और ध्वज आज से हमारा सारे कार्य आरंभ हो गए हैं। गायत्री माता हमारी विराजमान हो रही हैं और सारे निर्विघ्न कार्य पूर्ण कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सारे कार्य जो किए जा रहे हैं सराहनीय हैं, हम उनको बधाई देते हैं। और कुंभ में जो है सारे आध्यात्म शासन प्रशासन सब मिलकर कार्य करेंगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कुंभ दिव्य और भव्य। ये ध्वज के बाद अब अगला कार्यक्रम क्या होगा? अब ये हमारा धर्म ध्वज स्थापित हो गया, अब इसके बाद पेशवाई जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोगों ने कहा है छावनी प्रवेश, तो हम लोग दूसरी जगह से बस्ती से कहीं से भी कोई कहीं से उठाता अलग अलग जगहों से हम लोग जो है जुलूस निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, जल यात्रा शोभा यात्रा जिसे कहते हैं, और वो वहां से आकर इसमें छावनी में प्रवेश होगा। उस दिन से हमारे देवता विराजमान हो जाएंगे, गायत्री माता हमारे श्री देवी का पूजन आरंभ हो जाएगा। अपना परिचय महाराज। पंच अग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी, आप मीडिया के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं प्रयागराज कुंभ से।